बैड मैनर्स, बहुत गलत बात है। किसी और के खत क्यों पढ़ रही हो और यहाँ क्या कर रही हो? जाओ देखो श्लोक कहाँ है, जाओ। मैं वो आपको ढूंढते हुए, माँ वो चिट्ठी किसकी है? मीरा, तुम्हारे लिए हर बात जानना जरूरी है क्या? और तुम मुझे एक बात बताओ, अम्मा जी से तुमने झूठ क्यों कहा? तुम जानती हो ना अम्मा जी का गुस्सा, अगर उनको पता चल गया कि तुमने झूठ बोला है उनसे, तो अंदाजा है क्या होगा? त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, देश भर से तीर्थ यात्री बनारस के पवित्र घाट पर गंगा जी में डुबकी लगाने आते हैं। हाँ, तभी तो हम कह रहे हैं कि नदी की सफाई का अभियान और घाट की सीढ़ियों की मरम्मत का काम शुरू करवा देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। एक तो हमारे परिवार का नाम, और दूसरे जब से हमने राजनीति में कदम रखा है, लोगों की अपेक्षाएं हमसे और ज्यादा बढ़ गई। जी, गंगा जी की सफाई और घाट की मरम्मत की बात हो रही है। बहुत अच्छी बात है, औरतों के घाट पर औरतों की सुविधाओं के लिए कुछ कमरे बनाने के बारे में सोचना चाहिए। यश, पता नहीं मैं परेशान हूं कि नाराज, लेकिन आज मुझे अलकनंदा पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे, वहां पहुंचने के बाद कम से कम वो हमें फोन करके ये तो बता सकती थी कि सब ठीक ठाक है। अम्मा जी, हो सकता है कि उसकी मौसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसीलिए वो फोन ना कर पाई हो। नहीं तो आप तो जानती हैं कि अलकनंदा कितने जिम्मेदार है, मैं खुद उससे फोन करके बात कर लेता हूँ। फोन हमें दो, मैं बात करती हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? जी, मैं सरला बात कर रही हूँ, काम करती हूँ यहाँ। सुभद्रा जी की तबीयत अब कैसी है? भली चंगी है। पता नहीं आज सुबह से सब उनके तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, और उन्हें हॉस्पिटल में हॉस्पिटल जाए उनके दुश्मन। आज सुबह से तो वो अलग दीदी और मीरा दीदी के साथ अपने फार्म हाउस में धमाल मचा रही है। वैसे आप कौन बोल रही है? हेलो, तुझे नहीं आता है मेरा, तुम और सरला दीदी रस्सी पकड़ो ना। सरला दीदी आओ ना। ये तो बुद्धू है, बुद्धू इससे तो रस्सी कूदना भी नहीं आता। हाँ, कूदेगा तो गिर जाएगा ना। नहीं गिरूंगा, और गिरूंगा भी तो रहूंगा नहीं, लड़का हूँ और लड़के स्ट्रांग होते हैं। वो तो है, पर लड़कियाँ ज्यादा अक्लमंद होती है ना मेरा? वो तो है, मैं भी तो श्लोक से ज्यादा अक्ल वाली हूँ।
वाह वाह वाह, क्या रंग बदला है तुमने यहाँ आकर। ठहरो तुम्हें अभी बताता हूँ, अलख माँ से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। अलख माँ, ये लोग मुझे अकेला देखकर बहुत चिढ़ा रहे हैं। अलख माँ मैं कैसे जीतूँ? तुम चलो ना अलख माँ मेरे साथ, हम मिलकर उनकी छुट्टी कर देंगे। नहीं श्लोक, तुम जाओ, तुम खेलो। देखा अलख माँ, तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरा कोई भी साथ नहीं देता। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। श्लोक अपनी अलग माँ से बात नहीं करेगा? हाँ अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। सच? तुम चलोगी अलग माँ मेरे साथ? हाँ। तब तो मिलकर उनकी छुट्टी कर देंगे। चलो अलग माँ। देखा, कर दी ना सबकी छुट्टी। चल अब तू एक पैर पर कूद कर बता। सुन तो अलग सुनना, नानी माँ के चेहरे पे हंसी और मुस्कुराहट कितनी अच्छी लगती है ना। पता है आज बहुत दिनों बाद मैं उन्हें खुश देख रही हूँ। खुश तो होगी ना, बेटी है इस घर की, बहू है वो इस घर की। हाँ अगर मीरा ऐसा कुछ करती तो कह देते बचपना है, लेकिन अलकनंदा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो भी इस झूठ में शामिल है। इस घर में आज तक किसी ने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। सच बोलना और सच निभाना भी इस खानदान के मर्यादाओं और परंपराओं का एक हिस्सा है। वही तो, अब क्या करें अम्मा जी, जमाना बदल रहा है। इरावती, हमें दुनिया से क्या लेना देना, यहाँ तो सच और झूठ की बात हो रही है। अगर घर की बहू झूठ बोलने लगे तो बच्चे तो। इस झूठ के लिए मैं अलकनंदा को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, और मीरा के इस झूठ की तीखी खना मेरे कानों को चुभ रही है। वाओ, सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है नानी, ये सब आपका है? अरे ना रे, मेरा काहे का, तेरी माँ का है। खूब गहने पहनती थी, खूब सजती थी, पर अब तो श्लोक, माँ ये सब पहन के कितनी सुंदर लगती है ना। कॉलेज जाती थी ये पहन के? माँ पहन के दिखाओ ना। बस कर मेरा, नानी
माँ ये सब पहन के कितनी सुंदर लगती होगी ना। बहुत ही। तुझे और चाहिए ना तो वहां अलमारी में रखे हैं। माँ ने वो चिट्ठियां अभी इसी अलमारी में ही रखी थी। मिला कि नहीं? रहने दे मीरा, मैं समझ लूंगी। इन गहनों के चक्कर में मुझे तो भूख लग गई है। लो बोलो। जा मीरा, उसे कुछ खिला दे। रसोई में देख शक्कर पारे पड़े हैं। खिला उसे। जा जा। अरे मीरा रुकना, मैं भी आता हूँ। लाने के लिए कहा था ना? अरे भाई थोड़ा जल्दी हाथ पैर चलाओ। इस तरह काम करते रहे तो सुबह से रात हो जाएगी और फूल नहीं आएंगे। जाओ। अरे भाभी क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह नौकरों को डांट का प्रसाद दे रही हैं आप? और क्या करूं इरावती, तुम इन लोगों के भरोसे एक काम छोड़कर देखो, हो जाए तो कहना। ये बात तो है। अरे इधर आओ। जी। ये क्या लाल फूल क्यों ले आए? मैंने पीले फूल लाने को कहा था ना। जी वो अलकनंदा बहुजी तो हमेशा लाल फूल ही मंगवाती होंगी, लेकिन अब वही होगा जो मैं कहती हूँ, समझे? जी। अगर मैंने कहा कि पूजा के लिए पीले फूल आएंगे तो पीले फूल ही आएंगे। लेकर जाओ इन्हें। देखा इरावती, अलकनंदा बहुजी कहती थी। अरे भाई कहती थी वो तो, लेकिन इन लोगों को अलकनंदा को हुक्म मानने की आदत जो पड़ गई है। आज भी अलकनंदा बहुजी, अलकनंदा बहुजी। बस भाभी बस, क्यों सुबह सुबह अपना खून चला रही हैं आप? अब धीरे धीरे इन बेचारों को पता चल जाएगा कि सत्ता परिवर्तित हो रही है। वैसे एक बात बताएं आपको, बुरा मत मानिएगा, कहीं ना बुरा नहीं मानेंगे। बताओ। देखिए भाभी, आज से पहले जेठानी तो आप सिर्फ नाम की थी, अगर जेठानियों वाला रोब तो अब आया है आपके चेहरे पर। भाई हम तो कहते हैं जिसकी कमर में चाबी वही बड़ी भाभी। आय हाय, क्या जचता है ये चाबियों का गुच्छा आपके पास, है ना? संभालिए, हम आते हैं जरा। अरे वाह, चाबियां क्या हाथ में आई, यहाँ तो दर्जा बढ़ गया। वाकई बड़ा वजन है इन चाबियों में। जहां पे भी मैं ढूंढ रही हूँ वहां क्यों ढूंढ रहे हो? ढूंढो अब यहाँ पे। यहाँ पे तो कहीं पे भी शक्कर पारे नहीं है, पता नहीं नानी ने कहाँ रख दिए। जरूर कहीं बहुत संभाल कर रखे होंगे। मीरा देखो, जरूर उस छिलके में होंगे। हाँ शायद। रुको मैं उतारता हूँ। एक मिनट मैं देखती हूँ। मैंने कहा था ना शक्कर पारे जरूर छीके में ही होंगे।
क्या है इन चिट्ठियों में? किसकी है ये चिट्ठियाँ? माँ ने ये चिट्ठियाँ यहाँ छुपा के क्यों रखी? मेरी प्यारी अलक, अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता हूँ तुम्हें। किसी ने सच ही कहा है, प्यार वो एहसास है जो जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देता है। आज तुमसे वादा करता हूँ, जल्द और बहुत जल्द तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। चाहता हूँ इतना करीब आओ, कोई दूरी ना रहे। देखने वाले तुमको मैं और मुझको तुम कहें। किसके प्यार की खुशबू से शराब हो रहे हैं? किसने लिखी होगी माँ के नाम पे ये मोरपंखी कविताएं? इति श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्यायः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततमोऽपि यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्तः समीप्यः समश्शत्रौ च मित्रे च तथा मानात्मानि शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंवर्जितः यस्मान्नोद्विजते लोको मा लोकानोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अन्तेक्षिष्यते दक्ष विरासीनो गतव्यतं पुनरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ये तु धनाहुतं तं यथोक्तं परिपासते कृतज्ञानां परमास्ते क्या बात है मीरा? मैं वो अहो 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 अहो